फाइनली दोस्तों हमारी रैको, दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लांट ऐड कर दिया, इसको दाद भी है, बहुत डरावना लग रहा है भाई ये। तो दोस्तों हमने कल हमारा एलिगेटर गार्ड यहाँ पे शिफ्ट किया था, भाई ये कहाँ छुप गया, अभी यहाँ पे था यार ये, कहाँ पे, हाँ, देखो यार ये पूरी टंकी में ना दोस्तों इधर से उधर पूरा घूमता रहता है। देखो मैं इसे अभी बुलाता हूँ, चल आ जा भाई, बहुत बड़ा स्पेस है इसके लिए, स्पेस बहुत अच्छा है इसके लिए, अभी हमारे गार के लिए। देखो भाई ये है दोस्तों हमारा मॉन्स्टर एलिगेटर गार फिश, भाई थोड़ा बाहर आ जा यार, क्या कर रहा है यार कोबर तू, ये देखो यार साइज खतरनाक लग रही है इसकी साइज। हे गाइस वेलकम बैक, और दोस्तों आज धूप इतनी ज़्यादा होने की वजह से हमने एक प्लानिंग किया है यार कि ये वाली जो रैक है ना ये हमें नीचे शिफ्ट करनी है। नीचे शिफ्ट करने से पहले मैं इसको पूरा वाइट कलर कर दूंगा, क्योंकि ये देखो यार ये पूरा कलर इसका निकल रहा है पहले का और ये ख़राब होना स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। और ये हमारे जितने भी पौंड है ये जाने वाले हैं दोस्तों हमारे साइड वाले टेरेस पे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं क्या करता हूँ भाई, यहाँ पे हमारे जितने भी फिशेस हैं मैं सारे निकल लेता हूँ, जितने भी प्लांट्स वगैरह वाटर पॉपी हम सारे निकल लेते, क्योंकि यहाँ पे हमने वाटर पॉपी ऐड की थी, तो ये देखो यार कितना अच्छे से फैलना स्टार्ट हो चुकी थी, ठीक है। तो मैं वाटर पॉपी इन्हीं पौंड में रहने देने वाला हूँ साइड वाले टेरेस पे। दोस्तों यहाँ से मैंने सारे पौंड निकल लिए और यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, ये देखो यार यहाँ पे कैसे लग रहे हैं आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और यहाँ पे हम फिश ऐड कर सकते हैं या नहीं आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरा तो यहाँ पे प्लानिंग है कि भाई यहाँ पे सिर्फ वाटर पॉपी ऐड करें और उसमें कुछ मॉलीज वगैरह छोड़ दे, तो ये यहीं पे अच्छा लग रहा है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में सजेस्ट करना। और जो फिशेज थी मैंने सारी फिशेज इस वाले पॉन्ड में अभी रख दिए फिलहाल की, इसमें जितनी फिशेज निकली ना सारी फिशेज मैंने इसमें निकाल दी, और जो वाटर पॉपीज निकली तो यहाँ पे रख दी, ठीक है। अभी वाटर पॉपी हम साइड वाले टेरेस पे जाकर लगा कर आते हैं। दे ओके छोड़ दे ओके। भाई ये इतना ज़्यादा भारी ना, मेरे से नहीं उठा रहा यार, तू भी उठा भाई। ओके ये है दोस्तों हमारा साइड वाला टेरेस, और यहाँ पे देखो यार बारिश की वजह से पूरा पानी हो गया है। तो दोस्तों मेरा प्लानिंग हुआ कि भाई ये फर्स्ट वाला जो पॉन्ड है हमारा इसमें ही ये वाली वाटर पॉपीज हम ऐड कर देते हैं, और इसमें ऑलरेडी मिट्टी वगैरह है तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये अच्छे से यहाँ पे फैलेगी, और ये जैसी बड़ी होगी हम यहाँ से निकल कर उसको बड़े स्पेस में ऐड कर देंगे। चलो भाई मैं तो बोल रहा ना भाई कि ना हमारे सारे पॉन्ड में ना वाटर पॉपी ऐड कर देते, बहुत अच्छा फैलता है यार ये प्लांट। चलो भाई इसमें हाँ हर एक इसमें दो दो डाल देते ना फिर, ठीक है चलेगा। इसमें तीन हो गए, अभी तीन ही रहने दे, उधर तीन डाल देते, तीन ऐसे सारे पॉन्ड में मैं अभी वाटर पॉपी ऐड कर देता हूँ। तो वाटर पॉपी तो मैंने सारे पौंडों में ऐड कर दी, तो ये देखो यार यहाँ पे भी ऐड कर दी। अभी ये वाली जो टक्सेडो कप्पी यहाँ पे छोड़ी ना, इनके लिए यहाँ पे थोड़ा हाइडिंग प्लेस हो गया, और यहाँ पे भी है ऑलरेडी, यहाँ पे मैंने वाटर कैबेज वगैरह ऐड की है, बट कोई नहीं यार यहाँ पे भी देखो और यहाँ पे भी, और अभी सिर्फ हमारे बच्चे हैं ये दो वाले, तो यहाँ पे भी हो गई। अच्छा ये पत्ते, मुझे लगा कि वाटर पॉपी है। दो दिन पहले हमने यहाँ पे हमारी बेबी फिशेज छोड़ी थी, तो उनका भी अपन अपडेट देख लेते यार। ये देखो भाई यहाँ पे हमारे गप्पीज वगैरह हमने छोड़ी थी, ये भी अच्छी यार, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है। मैं क्या करता हूँ ना सारे फिशेज को फीड दे देता हूँ। आपको पता है दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारे गप्पी छोड़े थे, ये देखो ये यहाँ पे अच्छे से अभी ये सेट हो गए। मुझे थोड़ा डर था भाई इनको कुछ होना चाहिए यार, क्योंकि ये हमारे गप्पी रूम में थे और ये सीधा नेचर में आने की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा थी यार हमारे यहाँ पे, तो ये सारे के सारे भाई एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं यार। दूसरे गप्पीज के साथ अच्छे से ये सेट भी हो चुके हैं, अभी खाना भी खा रहे हैं ये देखो। तो दोस्तों हमारे गप्पीज के बेबीज है वो भी अभी सेट हो चुके हैं इस वाटर में, तो इनको भी मैं आज फीड कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ यार 48 आवर्स में। यहाँ पे अच्छे से अभी सेट हो गए थे, ये खाना भी खाना पसंद करेंगे यहाँ पे, तो मैंने ऐड कर दिया और ये देखो भी खा भी रहे हैं, मतलब कोई स्ट्रेस वगैरह में नहीं है, हैप्पी है, तो ये आराम से यहाँ पे ग्रो होने वाले हैं। ये देखो भाई इन वाले पौंडों में कुछ हमारी मॉलीज वगैरह है। ओके आपको पता ही है दोस्तों हमने सारे पॉन्ड में टक्सेडो गप्पीज छोड़े हैं एक एक दो दो पेयर, अभी ये भी फैलना स्टार्ट हो चुके हैं यार यहाँ से, तो इनको भी मैंने फीडिंग कर दिया। इस वाले इसमें हमारी ब्लैक मॉलीज थी, अभी ये वाला और ये वाला खाली है, क्योंकि मैंने ब्लैक मॉलीज मेरे दोस्त को दिया था। ये देखो यार ये हमारे पॉन्ड दोस्तों, ये वाले जो पॉन्ड हमने अभी रखे हैं ना ये दो दिन हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, फिर हम सोचेंगे भाई इनमें हमें क्या ऐड करना है, ठीक है, क्योंकि इनकी जगह भी हम चेंज कर सकते हैं। चलो यार दोस्तों मैं अभी मार्केट जाता हूँ, मार्केट जाकर इस वाले रैक के लिए मैं कलर लेके आता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मैं मार्केट से आ गया और हमें कलर भी मिल गया यार। ओके यार रोलर था ना पहले से, रोलर कहाँ गया, रोलर देखा था भाई मैंने, हमारे पास पड़ा हुआ था रोलर वगैरह, किधर है, हमारा पुराना रोलर पड़ा हुआ था, रोलर की हेल्प से हमें ये थोड़ा
इजी जाएगा यार, ठीक है। तो चल विशाल भाई अभी इसे उठाते हैं और यहाँ पे धूप में लेते हैं, जल्दी जल्दी ये सूख भी जाएगा। नहीं मैं क्या बोलता हूँ, ये ऐसे ही रहने दे, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना हमारे गिनी पिग का सेटअप है ना जैसे पहला था ना, पहले जैसे ही कर देंगे, ऐसा मेरा प्लानिंग चल रहा है। क्योंकि मेरे पास बड़ी कांच पड़ी हुई है यार 5 फीट की, तो आगे से कांच वगैरह लगा देंगे और अंदर से फिर से वो गिनी पिग का सेटअप कर देंगे। ऊपर तो हमारी एक सरप्राइजिंग चीज़ रहने वाली है, जैसे ही वो चीज़ आएगी आपको पता ही चल जाएगा। चल मैं क्या बोल रहा, ये यहीं पे रहने दे, इसे बाहर नहीं लेंगे यार, क्योंकि ना बारिश कभी भी आ सकती है। देखो भाई आसमान में बादल आ चुके हैं और हम कलर देंगे और ये कलर पे फिर से वाटर आ जाएगा, तो इतना मज़ा नहीं आएगा, पूरा कलर जाया जाएगा। मैं क्या बोल रहा यहीं पे रहने देना बाद में, क्योंकि ना बारिश कभी भी आ सकती है यार, यहाँ पे तो बारिश नहीं आती। तो दोस्तों हमारे में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस कलर मारने का भाई हमारे विशाल भाई को है, तू ही देख लेगा ना भाई सारा कलर, तू ही देने वाला है। ठीक है क्या बोल रहा है, व्हाइट कलर है क्या? क्योंकि मुझे ना थोड़ा है ना स्किन कलर जैसा दिख रहा है यार, ये डब्बे में इसलिए ऐसा दिख रहा है। ओके अभी हमें तो एक्सपीरियंस नहीं यार, तुझे पता है क्योंकि ये हमारा सारे सेटअप को कलर करता है। तो हमने हमारी ये वाली लैक को पूरा कलर दे दिया है व्हाइट कलर का। अभी पहले से कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है यार, ये देखो पूरा व्हाइट व्हाइट व्हाइट, अभी इसमें भी थोड़ा व्हाइट आएगा। ठीक है यार दोस्तों हमें आज ये वाला प्लांट लगाना है, ये वाला में तो मेरा फेवरेट प्लांट है, हमें गिफ्ट मिला है ये। ठीक है तो उस वाली कुंडी तो हमारी ये खाली, बहुत दिनों से ऐसी खाली पड़ी हुई है, तो मैं वहाँ पर ये प्लांट लगा देता हूँ। पता था दोस्तों हमने कल या परसों में ही ये वाले प्लांट्स लगाए और अभी इसे देखो यार ये ग्रो होना स्टार्ट भी हो चुके हैं और एक हफ्ते के बाद ये इतना जल्दी बढ़ता है ना भाई, एक हफ्ते के अंदर ये पूरा फैल जाएगा यार यहाँ पे। और इसे कली भी आ रही है देखो, मतलब बहुत जल्दी से फूल आने वाला है भाई। ये देख सकते हो बहुत दिनों से ऐसे ही पड़े हुआ था, ये तो पूरा पूरा ही हो गया है भाई। और यहाँ पे मुझे एक फिश का स्केलेटन पड़ा हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना है। ये कौन से फिश का स्केलेटन है मुझे सच में पता नहीं चल रहा, बट ये कुछ ना जो रिवर फिश होती है ना उसका स्केलेटन लग रहा है मुझे। ये देखो भाई इसको दाद भी है, बहुत डरावना लग रहा है भाई ये। चलो अभी मैं सारा कचड़ा साफ कर देता हूँ फिर ये प्लांट्स ऐड कर देता हूँ। दोस्तों मैंने यहाँ पे प्लांट ऐड कर दिया फाइनली, तो ये अभी एक दो दिनों के बाद अच्छे से ग्रो होगा ऐसे मैं इसे उम्मीद करता हूँ। फाइनली दोस्तों हमारी रैक दो बार हमने कलर कर दिया है और अभी अच्छे से दिख भी रही है, और इसे पूरा कलर करने में हमारे विशाल भाई ने हमें हेल्प की है, थैंक यू यार विशाल भाई। हमारी ये वाली जो रैक है अभी इसे सूखने के लिए हम ऐसे ही छोड़ देते, पता नहीं भाई से अभी कितना देर लगता है, तो जैसे ही सूखेंगे फिर हम इसे नीचे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है इस पे ऊपर क्या आने वाला है मैं आपको ये सरप्राइज रखूंगा, और नीचे तो गिनी पिग का ही मेरा प्लानिंग चल रहा है। दोस्तों हमने हमारे पिजन के लिए जो पानी पीने के लिए और जो खाना खाने के लिए ये डब्बे रखे थे ना, ये बड़े ही काम के भाई साबित हुए हैं हमारे पिजन्स के लिए भाई। अभी कंप्लीट 7 दिन हो चुके हैं, 7 दिनों में मैं इनमें एक ही बार पानी भर रहा हूँ और प्रॉपर ये पानी पी भी रहे और खाना इसमें खा भी रहे, मतलब हमें कामयाब हो गया। हम अभी इसमें ही खाना देते जाएंगे और इसमें ही हम पानी देते जाएंगे। अभी इसे साफ करने का भी बड़ा आसान तरीका है, इसे मुझे लग रहा है यहाँ पे पूरी गंदगी हो गई है, मतलब मिट्टी वगैरह बहुत है यहाँ पे, धूल मिट्टी, तो मैं प्लांट्स को ही दे देता हूँ। अभी ये साफ क्लीन भी हो गया यार, ठीक है अभी मैं इसे नॉर्मल से ऐसे ही रख देता हूँ फिर से। ओके और इसमें अभी हमें क्या करना है, ये जो इनका खाना है बाजरा, तो ये मैं भर देता हूँ। ये लो जी अभी ये इनमें 2-3 दिन ऐसे ही रख दूंगा, 2-3 दिनों के बाद ये पूरा खाली हो जाएगा, फिर से हम ये भर देंगे। ये देखो दोस्तों मैंने अभी इसमें ना फ्रेश वाटर भर दिया है और इसे भी ऐसे हमें लगाना है, अच्छे से फिट कर देना है, फिट करने के बाद ये ऐसा कर देना है। अभी ये जो होल है ना, होल में से इधर पानी आएगा और ये पिजन के लिए पीने के लिए रेडी है। जैसे जैसे यहाँ से पानी ख़त्म होगा यही होल से पानी आता जाएगा, यहाँ से कम होता जाएगा, ये जैसे ही कम हो जाएगा लेवल फिर हम इसमें भर देंगे पानी। ये हो गया पानी का, ये हो गया खाने का। तो दोस्तों मैंने अभी स्नो को उसके ही केज में छोड़ दिया और अभी ब्लैकी को भी पकड़ रहे, ब्लैकी बिल्कुल भी आने का सुन नहीं रही यार। चलो यार ब्लैकी भी गई उसके केज में और ये पिजन का बेबी भी उसमें ही निकल गया यार। हमारे स्नो और ब्लैकी क्या करते भाई, पिजन के केज के अंदर आके भाई ये और ये पूरा गंदा कर देते यार ये, मतलब ब्लैकी तो पूरा पानी का ऐसा गिरा ही देती यार, इसी की वजह से मैं इनको यहाँ पे नहीं रहने देता। आजो भाई तुम्हारे लिए मैंने फ्रेश पानी और फ्रेश खाना रखा है, चलो खा लो, चलो आओ आओ आओ। देखते ही देखते दोस्तों हमारे सारे पिजन अभी आ गए फ्रेश खाना और फ्रेश पानी पीने के लिए। ये देखो भाई स्नो और ब्लैकी का घास भी आ गया, चल ब्लैकी आ जा, स्नो आ जा भाई, चल चल। बच्चे को भी मैंने यहाँ से पकड़ लिया, अभी ये जाएगा यहाँ पे। एक मिनट, हाँ ओके यहाँ पे रख दे। ओके
तो दोस्तों कल हमारे सेटअप में एक सरप्राइजिंग चीज आने वाली है, ठीक है। मैं कल जाने वाला हूँ पेट शॉप, मतलब एक मार्केट है हमारे यहाँ पे, तो वहाँ पे जाने वाला हूँ और हमें जो पसंद आया वो चीज मैं लेके आने वाला हूँ, ठीक है। वो सरप्राइज चीज रहेगी यार, ठीक है। तो ठीक है, इसी केज में वो चीज हम रखने वाले हैं, तो अभी मैं इसे रेडी करके रख देता हूँ यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।